गोधरा नगर पालिका में प्रमुख उप प्रमुख के चुनाव अंतर्गत मिली आम सभा की बैठक के दौरान भाजपा की महिला काउंसिलर ने आवेश में और गुस्सा में आकर पानी की बोतल पुलिस कर्मचारी पर फेंकते हुए काफी हंगामा घटित हुआ था। सत्ता के मद और अभिमान में चकचूर वैसी भाजपा महिला काउंसिलर ने आज गोधरा नगर पालिका में प्रमुख उप प्रमुख बैठक के चुनाव आयोजित मिली सभा के दौरान आवेश में आकर पानी की बोतल पुलिस कर्मचारी पर फेंकते हुए भारी हल्ला मचा था, जहां बेशर्मी की भी हद को लांघते हुए नेता सत्ता के नशे में चकचूर हो चुके हैं। जहां कई बार उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया जाता है, वैसे भी घटना घटित होती है। जहां आज गोधरा सरदार नगर खंड स्थित नगर पालिका के प्रमुख उप प्रमुख के चुनाव आयोजित करते हुए बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा की महिला काउंसिलर ने चुनाव के दौरान सभा के दौरान अचानक से आवेश में और क्रोधित होते हुए दरवाजा के बाहर निकलने के दौरान पानी की बोतल जोर से फेंकते हुए यहां पर चुनावी फर्श पर तैनात वैसे एक पुलिस कर्मचारी पर वो जा गिरी थी, जिसके साथ ही काफी हंगामा घटित हुआ था। लगातार प्रजा की सुरक्षा और लोगों को सुख चैन से जीने के लिए दिन रात फर्श पर तैनात रहते वैसे पुलिस कर्मचारी पर इस प्रकार से भाजपा की महिला काउंसिलर हंसाबेन वाघेला द्वारा पानी भरी बोतल फेंकते हुए काफी हल्ला मचा था, जिसके बाद दौड़े चले आए वैसे अधिकारियों ने महिला भाजपा काउंसिलर के इस प्रकार के बर्ताव के प्रति उनकी आलोचना की थी।